हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है या नेम लिमिट क्रॉस हो गया है या जेंडर लिमिट क्रॉस हो गया है, अगर आप सारा प्रोसेस कर चुके हैं और आपका अपडेट नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा ही परेशान है, तो इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा सिर्फ 3 दिन के अंदर में अर्जेंट वालों के लिए, जिसका भी ज्यादा अर्जेंट है। जैसे कि पीएफ के पैसे फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं इसी डेट ऑफ बर्थ की वजह से, बच्चों का एडमिशन रुक गया है, बच्चों का एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आर्मी लवर वाले हैं जितने भी, मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, उनमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आधार से, जो लिमिट क्रॉस वालों का मतलब ये हो गया है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जीना हराम हो जाता है। गाइस, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम खुद झेला है और तभी मैं आप लोगों से हर चीज एक एक मतलब वाकिफ हूँ। जो आप लोग मतलब सोचते होंगे वो मुझे सारा चीज पता है, कि अगर आप सोते भी होंगे तो आधार कार्ड के बारे में ही, उठते होंगे तो आधार कार्ड के बारे में ही सोचते होंगे, अगर खाना खाते भी होंगे तो आधार कार्ड के बारे में ही सोचते होंगे। गाइस, तो ठीक है, मैं गाइस आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भाई लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप परेशान हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस या जेंडर लिमिट क्रॉस या नेम लिमिट क्रॉस, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका 2022 बहुत ही खुशी लेके आए आप लोगों के लिए। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जिन भाई लोगों का मतलब अर्जेंट है, उन्होंने मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट से, ठीक है, और इनरोलमेंट, ठीक है, 90 दिन का टाइम होता है, मेल का जो ऑप्शन होता है वो 90 दिन का टाइम होता है। अगर 90 दिन में नहीं होता है तो गाइस आपको शुरू से प्रोसेस करना होता है। मान लो दोबारा अगर प्रोसेस करते हो 90 दिन वाला, तो आपका 6 महीना तो ऐसे ही हो जाता है, छह महीना ऐसे ही हो जाता है। तो आप लोग के पास टाइम कम है और जल्दी कराना है, तो आप लोग को मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। देखो, जिसका भी ज्यादा अर्जेंट है वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, क्योंकि मैं अभी एक हफ्ते से काफी बिजी था, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेज पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन लोगों का मतलब रिप्लाई मिलने वाला है आजकल में, ठीक है, सबका रिप्लाई मिल जाएगा और आपका भी नंबर आने वाला है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका अपडेट हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि देखिए, जो हमारे चैनल पे आते हैं वो निराश होकर कभी नहीं आते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के हेल्प के लिए हम लोग बैठे हैं गाइस, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ करना है आपको, ना रीजनल ऑफिस जाने की जरूरत, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत है, ना बर्थ सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंट बस होना चाहिए ये, ना ईमेल करने की जरूरत है, ठीक है, ना अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत है, कोई भी काम नहीं करना है। बस आपको मैं जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगूंगा वो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, और मात्र में 3 दिन के अंदर में, 3 से 1 हफ्ते के अंदर में आपका अपडेट करा दूंगा, ठीक है गाइस। तो इस चीज से लेके परेशान नहीं होना है। और इस वीडियो में किस किस का अपडेट होने वाला है, किस किस स्टेट का, मैं आपको बता दूं कि देखो, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, वेस्ट ऑफ बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑल स्टेट, इंडिया के ऑल स्टेट्स के कराऊंगा। और जितने भी लोग मतलब रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग सोचो, ऐसा मत सोचो कि आपका होगा नहीं, आप लोगों का भी होना है तो होना है गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना है और सब्र करना है, क्योंकि सब्र के क्योंकि आपका भी टाइम माने वाला है गाइस, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं डॉक्यूमेंट आपसे मांगूंगा बस वो दे देना है। अगर आप अभी लोग मतलब आप अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, तो मिस्टर साहिल 083 के नाम से मेरा आईडी है, और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाइए फॉलो कीजिए और वहां पे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारा मैसेज कॉल आता है, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ गाइस। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है गाइस। और जितने भी अर्जेंट वाले हैं
और काम होने के बाद ही आपका सारा जो भी आपका है जो मतलब पेमेंट है वो करना है। ठीक है, पेमेंट मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे पेमेंट नहीं बता सकता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही कम पेमेंट है, क्योंकि एक भाई ने मुझे मतलब कॉन्टेक्ट किया है कि सर जितने भी अर्जेंट वालों का मतलब लिमिट क्रॉस हो गया है आप उनको बताइए, मैं उनका करा दूंगा, तो मैं उनसे आप लोग का कराऊंगा और आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, ना बर्थ सर्टिफिकेट, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको घर बैठे ही आपका अपडेट हो जाएगा। देखो भाई, अगर आप रीजनल ऑफिस जाते हो, कहीं भी आपका रीजनल ऑफिस होगा, 200-250 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ेगा, तो आपका कन्वेंस आने जाने का ही उतने में ही आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे मतलब नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं कि अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, अगर पहले आपने बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराया है तो बर्थ सर्टिफिकेट मार्कशीट से भी आप करा सकते हो। ठीक है गाइस, और नेम वालों के लिए जिसका भी नेम लिमिट क्रॉस है उन लोगों के लिए मैं बताऊं क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपने मतलब पैन कार्ड से अपडेट कराया था फर्स्ट टाइम, जो आपका जो सेकेंड टाइम आप करा रहे हो तो लिमिट क्रॉस बता रहा है, तो आपको सेकेंड टाइम आपको पासपोर्ट से करा लेना है या निर्वाचन कार्ड होता है उससे आपको करा लेना है। ठीक है, और जेंडर वालों के लिए जो होता है, जेंडर वालों के लिए कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो आप मुझे आधार कार्ड बस सेंड करना और अपडेट हो जाएगा आपका गाइस। ठीक है, क्योंकि देखो मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपका अपडेट करा दूंगा, क्योंकि मैं हजारों लोगों को अपडेट करा चुका हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, यूडीआई के गाइडलाइन से होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपका कोई एडिटिंग करके दे देगा आपको, मतलब बकायदा आप जब आपका अपडेट हो जाएगा तो आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हो, उसके बाद से ही आपको यकीन हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि देखो जो आप लोग प्रोसेस में बताता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला, वो सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो वो ही प्रोसेस हम लोग करेंगे, मेल से ही हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग मतलब उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाते हो समझाने के बाद भी, इसके वजह से हम लोग करेंगे सारा प्रोसेस, उसके बाद से आपको इंतजार करना है और जब आपका अपडेट हो जाएगा तो उसके लिए आपको हैप्पी ही हैप्पी होगा, क्योंकि बहुत खुशी मिलती है अगर आप लोगों का अपडेट हो जाता है तो। ठीक है, और गाइस देखो मेरा भी एक बार लिमिट क्रॉस हो गया था काफी दिन पहले, मतलब 3 साल पहले की बात है, और लिमिट क्रॉस हो गया था मतलब मैं परेशान था यार, मैं एक बार तो वो करता था मैं लेकिन परेशान, लेकिन मैंने इस चीज को फॉलो किया फर्स्ट टाइम अपने पे ही, मतलब वो स्टार्टिंग किया था कि मेरा यार मैं करूंगा तो यूडीआई के गाइडलाइन से ही करूंगा और देखता हूँ क्यों नहीं होता है, तो हो जाता है, आप लोग परेशान मत होइए। और जितने लोगों का अर्जेंट नहीं है, जिनके पास मान लो 3 महीने 4 महीने 5 महीने मतलब टाइम है एडमिशन के लिए या समय है, तो आप लोग मेल करो। ठीक है, मेल करने के समय जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में थोड़ा भी काट पीट नहीं करना, नहीं तो उसके वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। जब आप रीजनल ऑफिस जाते हो तो आप देखोगे कि मतलब कितने भाई लोग गए हैं तो उनको पता ही होगा कि थोड़ा भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आप गलती कर देते हैं तो उसको चेंज करो भाई, दूसरा भरो, फिर न्यू भरो, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए मेल करने के लिए, मेल करने के समय पे, क्योंकि गाइस ये 2022 है और 2022 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी लेके आने वाला है। ठीक है गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेल वाली वीडियो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाली वीडियो ये भी लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, और जिसको भी मतलब सबके साइड ही मिल चुका है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा सारा आप लोगों को, किस टॉपिक के पे मतलब आधार से रिलेटेड क्या नहीं समझ आ रहा है वो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको उस पे अच्छे से समझा के वीडियो बना दूंगा गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच।